तो दोस्तों फाली ट्रैवल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न होने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर, जहां पर रोमन रेंस अपने भाई पर अटैक कर उन्हें निकालेंगे ब्लड लाइन से। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों जैसा कि ट्रैवल चीफ का आखिरी मैच हम सबने रेसलमेनिया 39 में देखा था, जहां पर उन्होंने कोडी रोड्स को हरा कर रिटर्न की थी अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और दोस्तों उसके बाद वाले मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस आखिरी बार देखने को मिले, जहां पर उनका एक टैग टीम मैच कंफर्म हुआ था ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स के साथ। लेकिन मैच तो नहीं हो पाया क्योंकि उससे पहले ही ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स पर अटैक कर दिया था, और उस रिंग में रोमन रेंस भी थे और वो ब्रॉक लेसनर को कोडी पर अटैक करते देख रिंग छोड़कर बैक स्टेज चले जाते हैं। और दोस्तों तब से लेकर अब तक रोमन रेंस हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन दोस्तों फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद ट्रैवल चीफ रोमन रेंस का रिटर्न हम सबको देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। और दोस्तों इस बात को खुद WWE ने ऑफिशियल किया है। दोस्तों रोमन रेंस के ब्लड लाइन में अभी भी सब कुछ सही नहीं हुआ है। द उसोस और सोलो सिकोवा के बीच कुछ मतभेद साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और दोस्तों ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया 39 में टैग टीम टाइटल्स हारने के बाद से रोमन रेंस ने द उसोस से थोड़ी दूरी बना ली है। ड्राफ्ट में इसकी झलक तब दिखी थी जब रोमन रेंस और सोलो सिकोवा को एक साथ स्मैकडाउन में ड्राफ्ट किया गया था, और द उसोस बाद में स्मैकडाउन का हिस्सा बने थे। रोमन रेंस के स्मैकडाउन में रिटर्न करने के बाद द उसोस को ब्लड लाइन से बाहर निकाल सकते हैं। और दोस्तों हाल ही में यह देखा गया है कि सोलो अपने भाइयों द उसोस से ज्यादा खुश नहीं है। हेड ऑफ द टेबल का इशारा मिलते ही यह संभव है कि सोलो सिकोवा अपने भाइयों पर अटैक करके उन्हें ब्लड लाइन से बाहर कर दें, और इसमें खुद रोमन रेंस भी सोलो सिकोवा का साथ देते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि फाइनली इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्लड लाइन का अंत होगा? आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।